कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने यह कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 दिन के अंदर कर्ज माफ कर देंगे। किसान ने इस घोषणा पर विश्वास किया, कांग्रेस की सरकार बन गई। लेकिन आज हालत यह कि 10 दिन नहीं 25 दिन हो गए, व्यवहारिक रूप से किसान के कर्ज का एक नया पैसा माफ नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है केवल कागजी कार्रवाई है। लेकिन अभी मैंने देखा अनुपूरक बजट में कर्ज माफ होना है 50 लाख से ज्यादा किसानों का, लगभग 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, लेकिन बजट में प्रावधान किया केवल 5,000 करोड़ रुपया अनुपूरक बजट में। अब 5,200 करोड़ रुपया तो मैंने फसल बीमा योजना के बांट दिए थे इसी साल 4 महीने पहले। एक साल में 32,701 करोड़ रुपए किसान के खाते में मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने डाले थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाले थे। लेकिन ये सरकार केवल अनुपूरक बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। वो 5,000 करोड़ रुपया कितने लोगों को देंगे, कब देंगे, कितना देंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रचार ज्यादा हो रहा है चुनाव में लोकसभा के राजनीतिक लाभ उठाने के लिए। 15 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक आवेदन भरे जाएंगे, फॉर्म भरवाए जाएंगे, किसी के खाते में पैसा नहीं आएगा। और उसके बाद कहा जा रहा है कि 22 फरवरी को पहली राशि खाते में जाएगी। हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, फरवरी के अंत में मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी और फिर किसान के खाते में पैसा नहीं जाएगा? तो है ही 5,000 करोड़। उसके लिए कई तरह की फॉर्मेलिटीज, अलग अलग रंग के फॉर्म बनाए गए, हरा फॉर्म, सफेद फॉर्म, गुलाबी फॉर्म, और इतनी जटिलताएं पैदा कर दी गई है पात्रता के नाम पर कि कई किसान पात्र हो ही नहीं पाएंगे। ऐसी जटिल प्रक्रिया जो कर्ज माफी को बहुत मुश्किल बना देगी, ये किस लिए अपनाई जा रही है? मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं, कोई आवेदन लेने की, फॉर्म भराने की जरूरत नहीं है। ऑन रिकॉर्ड है राष्ट्रीयकृत बैंकों की किस शाखा में कितना पैसा है, कर्जा माफी कितने कितने रुपए की, कर्ज कितने किसानों की, कितनी कर्ज माफी होनी, सहकारी बैंकों के आंकड़े हमारे पास है। तो इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो, सीधे किसान के खाते में पैसा डालो, बैंकों को पैसा दे दो। लेकिन उसके बजाय कर्ज माफी को उलझाया जा रहा है, किसान को उलझाया जा रहा है। और इसलिए सरकार से मांग करता हूं कि सीधे किसान के खाते में पैसा डाल के या बैंकों को पैसा दे के इस कर्ज माफी को अंजाम दें, इधर उधर की बात ना करें। और दूसरे केवल कर्ज माफी से काम नहीं चलेगा, ये राहुल जी भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी आज ब्लॉग में लिखा है, कमलनाथ जी ने, अरे हमने किसान को ठीक दाम देने के लिए जब मैं मुख्यमंत्री था, भाजपा की सरकार थी, तब हमने सोयाबीन पे 500 रुपया क्विंटल देंगे, जिस भाव बिकेगा मंडी में उसके अलावा मक्के पे हम 500 रुपया क्विंटल देंगे, धान छत्तीसगढ़ में 2500 रुपया क्विंटल बिक रहा, तो मध्यप्रदेश के किसान ने कौन सा पाप किया है? उड़द समर्थन मूल्य के नीचे हमने उसमें पैसा देने का वचन दिया था, मूंग में पैसा देने का वचन दिया था, केवल वचन नहीं दिया प्रावधान किया था। और केवल इतने नहीं, गेहूं में 2100 रुपया क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो, हमने सब फसलों पर तय किया था, बोनस देके हम किसान को लाभकारी मूल्य दिलाएंगे। लेकिन भावांतर में भी केवल 1500 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है। अरे हमने 1700 से ज्यादा तो केवल गेहूं के बांट दिए थे, और अब 2100 रुपया क्विंटल गेहूं खरीदना, तो गेहूं में इससे ज्यादा पैसे लगेंगे। और गेहूं के लिए बजट का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी तो मई के अंत तक लगी रहेगी, उसके बाद बरसात आ जाएगी, तब गेहूं कब खरीदोगे? गन्ना किसान परेशान है, आज ही भोपाल में प्रदर्शन किया है, कम से कम 50 रुपया क्विंटल उनको गन्ने के अतिरिक्त देने चाहिए। मैंने गन्ना पर भी बोनस देने का फैसला किया था भाजपा की सरकार ने। और इसलिए ठीक दाम देने के लिए पर्याप्त प्रावधान अनुपूरक बजट में भावांतर के लिए भी होना चाहिए था, जो नहीं किया गया है।
उसे जाहिर होता है, नियत साफ होती है कि किसान को राहत नहीं देना, केवल वोट लेना था और वोट लेना चाहते हैं लोकसभा में। मैं मांग करता हूं कि सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाए, उसके लिए पर्याप्त बजट में प्रावधान किया जाए और जो समर्थन मूल्य के नीचे बोनस देके अतिरिक्त दाम देके जो फैसले हमने देने का किया था अतिरिक्त दाम देने के, उसके लिए पर्याप्त बजट में राशि की व्यवस्था की जाए।